दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको अगर CSC ID मिल चुकी है, यहां देख सकते हैं, अगर आपको CSC ID मिल चुकी है तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं वहां से, तो अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं, अगर पैन कार्ड बनाते हैं या रिचार्ज करते हैं तो वहां पर एक वैलिड पासवर्ड की जरूरत होती है। आपको CSC ID तो मिल गई, आपने पासवर्ड ही बना लिया, पर भी आपने वैलिड पासवर्ड नहीं बनाया। तो वैलिड पासवर्ड कैसे बनाते हैं आज की इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करें। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इसे डिजिटल सेवा कनेक्ट में आप लॉगिन तो कर ही लेंगे दोस्तों, उतना तो आपको पता होगा। यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने बाद आप कोशिश करिएगा, कभी भी आप CSC ID ओपन करते हैं तो आपको गूगल क्रोम से ना ओपन करके आप फायरबॉक्स, मोजिला फायरबॉक्स से ओपन करिए। चलिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। ओपन करने बाद आप यहाँ पे देखेंगे थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल से थ्री लाइन के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहां देखेंगे डैशबोर्ड, सर्विस, वॉलेट, पासबुक, ऑर्डर, अकाउंट, सपोर्ट, यहां पे इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, आप जैसे ई श्रम कार्ड बनाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो वहां पे अगर रिचार्ज करते हैं या कोई ट्रेन टिकट बुक करते हैं या फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको वैलिड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आपको वैलिड पासवर्ड कैसे बनाना है वही सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं नीचे आएंगे, देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाएगा माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ देखेंगे माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, चेंज वैलिड पिन। तो वैलिड पिन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, हमें चेंज वैलिड पिन चेंज करना, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इसकी आप देख सकते हैं वैलिड पिन जो क्राइटेरिया है कैसे आपको यहाँ पे बनाना, वो चलिए हम यहाँ पे जूम करके आपको सिखा बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इट इज ए 6 डिजिट न्यूमेरिक पिन। यहाँ पे 6 डिजिट का जैसे न्यूमेरिक पिन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इज नॉट अलाउड, मतलब एक लगातार से आप 1 2 3 4 5 6 नहीं दे सकते हैं। उसके बाद रैंडम देना है आपको, 7 3 0 2 8 7 ऐसे करके आप कुछ रैंडम टाइप का देना है। सेम नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, एक ही नंबर को बार बार रिपीट नहीं करना है। 1 1 1 1 करके आप 6 बार दे दिया, 2 2 2 2 3 3 करके एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। पिन मस्ट बी चेंज एंड लिस्ट 1 इन 30 डे, मतलब आपको 30 दिनों के अंदर पिन को चेंज करना होगा। पिन शुड नेवर बी रिटर्न डाउन और स्टोरेज ऑनलाइन विदाउट इंक्रिप्शन, डोंट रिवल योर पिन इन ईमेल, चैट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब आपको रिविल नहीं करना है कोई भी पिन, ईमेल पे, चैट पे, कहीं पे भी आपको पिन नहीं बताना है दोस्तों, किसी को भी पिन नहीं बताना। अगर आप पिन बता देंगे पिन के जरिए ही आपके साथ फ्रॉड हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको पिन किसी को नहीं बताना है। चलिए यहाँ पे डू यू नो योर करेंट वैलिड पिन, तो आपके पास अगर पहले से कोई वैलिड पिन है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो कर देना, हम नया बना रहे हैं तो नहीं हमारे पास। हाउ डू यू वॉन्ट टू रिसीव OTP, आप उस OTP कहाँ रिसीव करना चाहते हैं, मोबाइल में या OTP ऑन CSC ऐप में या सिक्योर कोड ऑन CSC ऐप में। हम चलिए मोबाइल पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया, वो OTP आपको यहाँ पे डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना हो। OTP डाल के आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे न्यू वैलिड पिन और कंफर्म वैलिड पिन आपको डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, यहाँ पे हमने देखिए हमने वैलिड पिन डाल दिया, देन हम क्या करेंगे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डोंट सेव क्लिक करेंगे, पिन चेंज सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारा पिन जो चेंज हो चुका है, वैलिड पासवर्ड यहाँ पे हमारा बन चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपने सीख लिया होगा CSC ID मिलने के बाद अपना वैलिड पिन कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको अभी कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो से लेकर के, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।